ऑपरेशन मैनेजर एओएम का क्वेश्चन पेपर है। ये है आपको एओएम का पेपर है ये, और ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका स्टेशन मास्टर, कोस्ट गार्ड, ट्रेन क्लर्क से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसको देखें, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये एग्ज़ाम कुछ दिन पहले ही हुआ था, 2023 का ही पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। पहला नंबर का रेलवे सांख्यिकी हेतु प्रयुक्त निम्न में से कौन सी प्राइमरी यूनिट है। तो प्राइमरी यूनिट मतलब ये है आपका किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी चाहिए। रेलवे सांख्यिकी हेतु प्रयुक्त निम्न में से कौन सी प्राइमरी इकाई यूनिट है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ पीडीडी इज, पीडीडी का पूर्ण रूप क्या है। तो प्री डिपार्चर डिटेंशन होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एन टी के पी विच टाइप ऑफ यूनिट इज एन टी के एम। तो एन टी के एम किस प्रकार की इकाई यूनिट है। तो फंडामेंटल है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ये आपका सेंट्रल रेलवे में स्टेशन मास्टर के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यात्रा के दौरान लॉन्ग हॉल संचालन अपने स्टेशन से कब नहीं किया जाएगा। यात्रा के दौरान लॉन्ग हॉल संचालन अपने स्टेशन से कब नहीं किया जाएगा। आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कब नहीं किया। वॉक तो रोक सिग्नल खराब होने पर, हाथ सिग्नल दिखाई ना देने पर, वॉकी टाकी खराब होने पर, या इनमें से कोई नहीं। यात्रा के दौरान लॉन्ग हॉल संचालन अपने स्टेशन से कब नहीं किया जाएगा। वॉकी टाकी खराब होने पर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पांच नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग हॉल संचालन के दौरान यदि एक रैक लोडेड और दूसरा खाली हो तो लोडेड रैक आगे होगा, खाली रैक आगे होगा, कोई भी रैक आगे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, लोडेड रैक आगे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला सही है। लॉन्ग हॉल संचालन के दौरान यदि एक रैक लोडेड और दूसरा खाली हो तो तब लोडेड रैक आगे होगा, रैक आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मालगाड़ी के परीक्षण की कितनी पद्धतियां हैं। तो आपका तीन पद्धति है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश पढ़ लेंगे, अपना समझ लेंगे। आंसर पता ही चल रहा है कौन सा है। दुर्घटना राहत गाड़ी को निकलने का टारगेट टाइम कितना है। तो दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्घटना होने की तिथि से कितने दिनों में DAR की कार्रवाई पूरी की जानी चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर 90 दिन में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन है, दुर्घटना होने की तिथि से कितने दिनों में DAR की कार्रवाई पूरी की जानी चाहिए। तो 90 दिन में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, सीआरएस द्वारा रेलवे दुर्घटना की जांच करना रेल दुर्घटना 1989 की किस धारा में दिया गया है। धारा 144 में। दुर्घटना राहत गाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी नियम पुस्तिका नहीं रखी जाती है। दुर्घटना राहत गाड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी नियम पुस्तिका नहीं रखी जाती। सामान्य और सहायक नियम, दुर्घटना नियमावली, कार्य संचालन समय सारणी, ब्लॉक संचालन नियमावली नहीं रखी जाती। ऑप्शन नंबर चौथा सही। नेक्स्ट, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल रखी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिखा है रेल संपर्क के कितना नुकसान होने पर उसे गंभीर दुर्घटना माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 2 करोड़ से अधिक। इसमें रेल दुर्घटना की कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये आपका 5 में वर्गीकृत किया गया है। और एक्सीडेंट मैनुअल जो होता है आपका है, आपका 117 में दिया गया है। गाड़ी दुर्घटना, यार्ड दुर्घटनाएं, पहला गाड़ी दुर्घटना, दूसरा है यार्ड दुर्घटनाएं, सांकेतिक दुर्घटनाएं, उपस्करों की खराबी और असाधारण घटनाएं। गाड़ी दुर्घटना, यार्ड दुर्घटना, सांकेतिक दुर्घटना, उपस्करों की खराबी और असाधारण घटनाएं, ये आपका 5 है। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है अनुभाग नियंत्रक एक समय में डैश कॉल कर सकते हैं तो सभी स्टेशनों को, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। दी सेक्शन कंट्रोलर कैन कॉल एट द सेम टाइम ऑल स्टेशन, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन, जब नियंत्रण बाधित हो जाता है, जब नियंत्रण बाधित हो जाता है और नियंत्रक के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाता है, तो ऐसे स्थिति में गाड़ी के संचालन और नियमन हेतु कौन जिम्मेदार होता है, तो ये होता है स्टेशन मास्टर, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। सेक्शन कंट्रोल द्वारा कौन सी रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता, ट्रेन ऑर्डरिंग बुक, लोड रजिस्टर, इंटरचेंज रजिस्टर और इंजन बुक। तो हमको लग रहा है ये सभी होता है, ट्रेन ऑर्डरिंग बुक और लोड रजिस्टर, इंटरचेंज रजिस्टर और इंजन बुक, ये सभी किए जाते हैं, तो ये डिलीट किया गया है। यहाँ पर देखिए सब डिलीट किया गया है। नेक्स्ट, ये सभी किए जाते हैं सेक्शन कंट्रोल के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी मालगाड़ी दुर्घटना के मामले में दुर्घटना में शामिल वैगनों को खाली करवाने के लिए सड़क परिवहन और श्रमिक की व्यवस्था करना डैश का कर्तव्य है। कह रहा किसी मालगाड़ी दुर्घटना के मामले में दुर्घटना में शामिल वैगनों को खाली करवाने के लिए सड़क परिवहन और श्रमिक की व्यवस्था करना डैश का कर्तव्य है, तो इसमें कौन है, मुख्य नियंत्रण या मुख्य नियंत्रक स्टाफ, C&W नियंत्रक, वाणिज्यिक विभाग, वाणिज्यिक नियंत्रक या कंट्रोलर, इंजीनियरिंग नियंत्रक। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, वाणिज्यिक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर तीसरा, कॉमर्शियल कंट्रोल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मालगाड़ी आदेश देने वाले संदेश को कहते हैं, मालगाड़ी आदेश देने वाले संदेश को कहते हैं ट्रेन नोटिस, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है पावर प्लांट डैश के लिए आवश्यक इंजनों की संख्या दर्शाता है, पावर प्लांट डैश के लिए आवश्यक इंजनों की संख्या दर्शाता है, तो ये दिखा था ट्रेन नोटिस हो गया, और ये हो जाएगा आपका फ्रेट सर्विस, गुड्स ट्रेन होता है फ्रेट सर्विस, पावर प्लांट डैश के लिए आवश्यक इंजनों की संख्या दर्शाता है फ्रेट सर्विस, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, लोको आउटेज तैयार किया जा सकता है, तो सर्विस वार, शेड वार, ट्रैक्शन वार। तो आपका सभी सही है, दिए गए सभी विकल्प सही हैं, सर्विस वार, शेड वार और ट्रैक्शन वार। वार नहीं है, वाइस है, सर्विस वाइस, शेड वाइस और ट्रैक्शन वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग हो गया, यहाँ वार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है, कह रहा मालगाड़ी की आर्डरिंग को रद्द नहीं किया जा सकता, कौन सा कथन सही है, मालगाड़ी की आर्डरिंग को रद्द नहीं किया जा सकता,
किया जा सकता है, मालगाड़ी को पुनः ऑर्डर नहीं किया जा सकता, ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, सही कथन बताना है, मालगाड़ी की ऑर्डरिंग को पुनर्निर्धारित और या विलंबित किया जा सकता है, सही है, ये होता ही रहता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कौन सा कथन सही है? तो मालगाड़ी की ऑर्डरिंग को पुनर्निर्धारित या विलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रतिबंध के बावजूद आवंटन किस स्तर पर नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है जोनल हेडक्वार्टर के द्वारा, क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर के द्वारा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। प्रतिबंध के बावजूद आवंटन किस स्तर पर नियंत्रित किया जाता है? क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, स्टेशन संचालन नियम के किस परिशिष्ट में सिग्नलिंग तथा इंटरलॉकिंग सिस्टम और संचालन व्यवस्था का उल्लेख रहता है? तो परिशिष्ट बी में, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। स्टेशन संचालन नियम के किस परिशिष्ट में सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम और संचारण व्यवस्था का उल्लेख रहता है? परिशिष्ट बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन संचालन नियम के मुख्य भाग पर डैश द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो ये कहते हैं परिचालन एवं सिग्नल विभाग के अधिकारियों के द्वारा। स्टेशन संचालन नियम के मुख्य भाग पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो परिचालन और सिग्नल विभाग के दोनों अधिकारियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन रोल को उसके पूर्ण होने पर कितने समयावधि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए? लाइफ टाइम होगा, अस्थायी रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है। मास्टर रोल को उसके पूर्ण होने पर कितने समयावधि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, मतलब अस्थायी रिकॉर्ड होगा, ऑप्शन नंबर चार सही है। अगला क्वेश्चन है, सेंडिंग लिमिट बोर्ड का एक विकल्प है कॉलिंग ऑन सिग्नल, स्टार्टर, प्रथम रोक सिग्नल, अंतिम रोक सिग्नल। तो ये होगा अंतिम रोक सिग्नल होगा, 25 नंबर का आपका चौथा सही है, फोर्थ, लास्ट स्टॉप सिग्नल। अगला क्वेश्चन है, जब किसी रोक सिग्नल के नीचे सेंड सिग्नल रखा गया हो तो ऑन स्थिति में यह डैश प्रकाश दिखाएगी? तो कोई प्रकाश नहीं दिखाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है लोको पायलट, सहायक लोको पायलट को डैश कितने दिनों पहले रजिस्टर में रिकॉर्ड करना चाहिए कि वह एक खंड में रोड लर्निंग में चूक कर रहा है? तो 15 दिन पे, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, रनिंग स्टाफ के लिए लगातार रात्रि ड्यूटी मुख्यालय की ओर अंतिम रात्रि ड्यूटी के साथ डैश रात्रि तक सीमित होनी चाहिए, 4 नाइट, ऑप्शन नंबर दूसरा, मैक्सिमम 4 नाइट कर सकता है। रनिंग स्टाफ के लिए लगातार रात्रि ड्यूटी मुख्यालय की ओर अंतिम रात्रि ड्यूटी के साथ रात्रि तक सीमित होनी चाहिए, 4 रात्रि, 4 नाइट। अगला क्वेश्चन है, साइन ऑन से ऑफ के लिए, साइन ऑन से साइन ऑफ के लिए पिछली बार में 8 घंटे या उससे अधिक ड्यूटी करने पर बाहरी स्टेशन विश्राम का होना चाहिए, 8 घंटे, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 8 घंटे। अगला क्वेश्चन है, एसी कोच या राजधानी शताब्दी और इसी प्रकार की प्रीमियम ट्रेनों के अलावा के रख रखाव और ट्रैफिक स्पीयर के लिए अनुमत अप्रभावी प्रतिशत कितना है? तो ये आपका है 6% रख रखाव, 5% यातायात, ऑप्शन नंबर ए सही है, मेंटेनेंस 6% का है और ट्रैफिक का 5% है। एसी कोच राजधानी शताब्दी और इसी प्रकार की प्रीमियम ट्रेनों के अलावा के रख रखाव और ट्रैफिक स्पीयर के लिए अनुमत अप्रभावी प्रतिशत है
6% रख रखाव और 5% यातायात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में प्रचलित न्यूनतम एक्सल लोड मार्ग क्या है? 22 टन, 2 सही है, 22 टन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोन में 25 टन एक्सल लोड रूट उपलब्ध नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है, SER और ECOR, ये तीनों हैं 25 टन एक्सल लोड उपलब्ध नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से किस जोन में 25 टन एक्सल लोड उपलब्ध नहीं है? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति में CC+6 लोडेड वैगन और CC+6 के सिवाय मार्गों पर अनुमति दी जा सकती है, यह अनुमति किसके द्वारा दी जा सकती है? 33 नंबर का क्वेश्चन है, PCE के द्वारा, 1 सही है। आपात स्थिति में CC+6 लोडेड वैगन और CC+6 के सिवाय मार्गों पर अनुमति दी जा सकती है, यह अनुमति किसके द्वारा दी जा सकती है? PCE के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी रेक वाले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 34 नंबर का क्वेश्चन है, मिनी रैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मिनी रैक को लौह अयस्क के साथ लोड लिया जा सकता है, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन लोड एक्सल में मिनी रैक चार्ज किया जा सकता है? मिनी रैक की अनुमति केवल ढके हुए वैगनों में है, मिनी रैक के लोडिंग अनलोडिंग के लिए खाली समय 5 घंटे होगा। तो ये तीनों सही है, ये गलत है। मिनी रैक को लौह अयस्क के साथ लोड किया जा सकता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, विस्फोटकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 7 वर्गों में बांटा गया, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, इंजन अनलोड योजना के तहत BTPN प्रकार के वैगनों को खाली करने का फ्री समय दिया जाता है? 36 नंबर, 5 घंटे। इंजन अनलोड योजना के तहत BTPN प्रकार के वैगनों को खाली करने का फ्री समय दिया गया है, 5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई यात्री गाड़ी पिछले स्टेशन से उसके सामान्य चलने के समय की अनुमति देने के बाद 10 मिनट के भीतर नहीं आती है, तो अग्रिम स्टेशन पर स्टेशन मास्टर तुरंत पीछे के स्टेशन और नियंत्रक को इस तथ्य के बारे में सूचित करेगा? 37 नंबर का क्वेश्चन था, 10 मिनट के भीतर, 2 सही है, 10 मिनट। यदि कोई यात्री गाड़ी पिछले स्टेशन से उसके सामान्य चलने के समय की अनुमति देने के बाद 10 मिनट के भीतर नहीं आती है, तो अग्रिम स्टेशन पर स्टेशन मास्टर तुरंत पीछे के स्टेशन और नियंत्रक को इस तथ्य के बारे में सूचना देगा 10 मिनट में, 10 मिनट के भीतर। अगला क्वेश्चन है, मंडल रेल प्रबंधक को कितने घंटे तक ट्रैफिक ब्लॉक लेने का अधिकार दिया जाता है? 38 नंबर है, 4 घंटे। मंडल रेल प्रबंधक को 4 घंटे तक ट्रैफिक ब्लॉक लेने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाप्रबंधक कुछ शर्तों के अधीन ENI को कितने दिनों तक मंजूरी दे सकते हैं? 3 दिन, 3 सही है। महाप्रबंधक कुछ शर्तों के अधीन ENI को 3 दिन तक मंजूरी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इसमें, ETA @
डैश मिनट प्रति 100 किलोमीटर, 130 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे अधिक की गति वाले खंड में प्रदान किया जाएगा। तो 8 मिनट प्रति घंटे होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन नहीं है? तो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, पंजतख्त, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर तीसरा नहीं है, पंजतख्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टेज सस्पेंशन में डिफ्लेटेड एयर स्प्रिंग वाले LHB कोचों के साथ चलने वाली ट्रेन के मामले में ट्रेन को कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने की अनुमति है? तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। सेकेंडरी स्टेज सस्पेंशन में डिफ्लेटेड एयर स्प्रिंग वाले LHB कोचों के साथ चलने वाली ट्रेनों के मामलों में ट्रेन को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने की अनुमति है। इसमें फीवा डिवाइस लगा है, अगर वो पंचर हो जाता है तो 60 KMPH से उसको चलाएंगे, अनुमत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको आउटेज का सूत्र क्या है? तो यातायात उपयोग के लिए इंजन घंटे प्रति 24, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, लोको या पावर लिंक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो मुख्यालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, वॉचिंग लोको या पारंपरिक लोको के लिए लोको कन्वेंशन लोको के लिए लोको निरीक्षण अनुसूची IV की आवधिकता कितनी है? तो 80 ± 3 दिन, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, गार्ड की रफ जनरल को कितने समय तक सुरक्षित रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपका 3 साल तक। गार्ड की रफ जनरल को कितने समय तक सुरक्षित रखना आवश्यक है? 3 साल। अगला क्वेश्चन है, कितने समय के अंतराल पर रनिंग स्टाफ की समीक्षा की जाती है? 1 साल पर। कितने समय अंतराल पर रनिंग स्टाफ की समीक्षा की जाती है? 1 साल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों में कितने डेड इंजन जोड़े जा सकते हैं? एक, ऑप्शन नंबर पहला सही, एक। अगला क्वेश्चन है, इधर बी क्लास ODC का ग्रास क्लियरेंस कितना होता है? तो ये होता है 6 इंच या अधिक इंच, लेकिन 9 इंच से कम, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, संशोधित सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका एडवांस स्टार्टर के स्टेशन मास्टर द्वारा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। संशोधित सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एडवांस स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए श्रेणी ODC के इंटर रेलवे संचालन की अनुमति कौन देता है, या संचालन की अनुमति कौन देता है? तो PCOM देता है, ऑप्शन नंबर चौथा सही। उसी जोन का PCOM एवं संबंधित रेलवे का PCOM, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, BG में ए क्लास ODC की अधिकतम गति कितनी है? तो सेक्शनल स्पीड होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्यखंड संशोधित अर्ध स्वचालित स्टॉप सिग्नल डैश के साथ इंटरलॉक किया जाता है? तो ये किया जाता है पीछे के स्टेशन का लास्ट स्टॉप सिग्नल और स्टेशन का फर्स्ट स्टॉप या अग्रिम में, दोनों में, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, लास्ट
लास्ट स्टॉप सिग्नल आप स्टेशन इन रियर और फर्स्ट स्टॉप आप स्टेशन इन एडवांस। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, बोथ वन एंड टू दोनों। अगला क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत अमान्य यातायात आदेश जारी किया जाता है? तो धारा 71 पे, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन ऑन लोड योजना के तहत BCN प्रकार के वैगन को खाली करने का फ्री समय दिया गया है, तो ये 6 घंटे दिया गया, ऑप्शन नंबर पहला सही है। इंजन ऑन लोड योजना के तहत BCN प्रकार के वैगनों को खाली करने का फ्री समय दिया गया है, 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एडेड 10 शेड्यूल एंड नेटवर्क गवर्नेंस प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है यात्री ट्रेनों का समय सारणी, ऑप्शन नंबर ए सही है। सत्संग, इसका सत्संग का फुल फॉर्म पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूल एंड नेटवर्क गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CADAT का पूर्ण रूप क्या है? 57 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपका कंप्यूटर एडेड डाइवर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कंप्यूटर एडेड डाइवर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, CADAT का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RFID का फुल फॉर्म क्या है? 58 नंबर, तो ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर चौथा सही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, गाड़ी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS स्वदेशी रूप में विकसित किस एक स्वचालित गाड़ी सुरक्षा प्रणाली है जो गाड़ी को डैश से सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये है खतरा सिग्नल पार करने से, अनिमेय सीमा से अधिक और टक्कर, ये सभी सही है, सभी से प्रदान करती है, एंटी कोलिजन डिवाइस लगा होता है, ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम, ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम, स्वदेशी रूप में विकसित एक स्वचालित गाड़ी सुरक्षा प्रणाली है जो गाड़ी को खतरा सिग्नल पार करने या अनुमेय सीमा से अधिक गति या टक्कर से सुरक्षा प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है, सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, डबल लाइन सेक्शन में ट्रेन की अधिकतम गति घने कोहरे के दौरान स्वचालित क्षेत्र में 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित होगी। साठ नंबर का क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई नहीं, 60 KMPH होगा घने कोहरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक लोको पायलट और ALP शेड में मल्टीपल यूनिट इलेक्ट्रिकल इंजन की जांच करने और उसे लेने के लिए कितने मिनट पहले साइन ऑन करेगा? 45 मिनट पहले, ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रत्येक लोको पायलट और ALP शेड में मल्टीपल यूनिट या इलेक्ट्रिकल इंजन की जांच करने और उसे लेने के लिए 45 मिनट पहले साइन ऑन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता आदेशों की रिकॉर्ड पन्ना कितने महीने की अवधि के लिए संरक्षित की जाती है? 12 महीने, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ, यदि लोको पायलट या गार्ड स्टेशन कर्मचारी के साथ सिग्नल आदान प्रदान करने में विफल रहते हैं और इस बारे में अगले ब्लॉक सेक्शन की स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट किया गया, तो अगले ब्लॉक स्टेशन का स्टेशन मास्टर क्या करेगा?
गाड़ी रोककर उसकी जांच करेगा, गाड़ी को रोकेगा और अगले गलती करने वाले कर्मचारी को लिखित चेतावनी जारी करेगा, सुरक्षित करेगा कि लोको पायलट व गार्ड मौजूद है या नहीं। यार ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है, कमेंट में करिएगा कौन सा सही है। इसमें डिलीट है, करंट आंसर डिलीट किया गया है, इसको लिया नहीं गया है। अगर आप लोगों को पता है तो बताइए। यदि लोको पायलट और गार्ड स्टेशन कर्मचारी के साथ सिग्नल आदान प्रदान करने में विफल रहते हैं और इस बारे में अगले ब्लॉक सेक्शन के स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट किया गया, तो अगले स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट नहीं, सेक्शन कंट्रोलर को रिपोर्ट किया जाता है, अगले ब्लॉक सेक्शन का स्टेशन मास्टर क्या करेगा? रोकना तो नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए क्या कौन सा सही है। कहा गया गाड़ी रोककर उसकी जांच करेगा, गाड़ी को रोकेगा और गलती करने वाले कर्मचारी को लिखित चेतावनी जारी करेगा, सुरक्षित करेगा कि लोको पायलट व गार्ड मौजूद है या नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है, बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, इसको आंसर डिलीट किया दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, लाइन क्षमता डैश से अधिक होने पर अनुभाग को संतृप्त माना जाएगा। तो ये आपका है चार्टेड क्षमता का 90%, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, WL बोर्ड सभी संपार्पणों के पहले कितने मीटर की दूरी पर प्रदान किए जाते हैं? तो 600 मीटर की दूरी पर, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, जब सामग्री गाड़ी को दो ब्लॉक सेक्शन के बीच चल रही हो और इंजन लीडिंग में हो तो इसकी गति कितने KMB से अधिक नहीं होगी? तो ये होगा सामान्य स्टॉक वाली मालगाड़ी की निर्धारित गति, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। जब सामग्री गाड़ी दो ब्लॉक सेक्शन स्टेशनों के बीच चल रही हो और इंजन लीडिंग में हो तो इंजन की इसकी गति कितने KMP से अधिक नहीं होगी? तो सामान्य स्टॉक वाली मालगाड़ी की निर्धारित गति स्पीड, प्री स्क्रिप्ट फॉर द गुड्स ट्रेन ऑफ सिमिलर स्टॉप, दूसरा सही माना गया है, सामान्य स्टॉक वाली मालगाड़ी की निर्धारित गति से। अगला क्वेश्चन है, लोको पायलट द्वारा ब्रेक फील्ड जांच कितने KMPH से अधिक की लोको पायलट द्वारा ब्रेक फील्ड जांच कितने KMPH की गति पर की जानी चाहिए? तो इसका कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है, बस जैसे थोड़ा सा मूव करेंगे हो जाएगा। तो इसमें या इनमें से कोई नहीं होगा, कोई स्पीड नहीं होता इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है वह सही क्रम जिसमें निम्नलिखित योजना या ड्राइंग तैयार की जाती है। तो ये तैयार की जाती है ESP, ESIP, SWRD, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ये क्वेश्चन आने की जो संभावना नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक की AC चेयर कार द्वितीय श्रेणी का कोड क्या है? तो इसमें भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं है, इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जब IBS ऑन पर हो और यदि इंटरमीडिएट ब्लॉक्स पोस्ट पर टेलीफोन उपलब्ध नहीं है या खराब है तो लोको पायलट सिग्नल पर डैश मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद सावधानी पूर्वक इसे ऑन पर पास करेगा 5 मिनट बाद, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, सैंडम का सैंड में रेल का एक विस्तारित भाग है जिसकी बढ़ती ढाल होता है, तो
1 in 60 का होता है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है विशेष श्रेणी के एलसी गेट का टीबीयू कितना होता है, तो 50,000 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं से ड्रिलिंग स्विच की दूरी लगभग कितनी फीट होती है, पॉइंट से ड्रिलिंग स्विच की दूरी लगभग कितनी होती है, तीसरा नंबर 15 फीट होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के संचालन के लिए योग्यता प्रमाण पत्र कितने वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है, 3 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, यन रूट स्टेशन पर प्रीमियम रैक के अलावा सामान इंड टू इंड ईयर ब्रेक रैक का ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है, 75%, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल को लास्ट स्टॉप सिग्नल, गेट स्टॉप सिग्नल आदि के साथ जोड़ा जा सकता है अनुमोदित विशेष संदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, एक रेल सेवक को ड्यूटी में अथवा ड्यूटी में से कितने घंटे पहले तक मदिरा, अन्य नशीली या बेहोशी, नींद लाने वाली या उत्तेजन दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तुओं के सेवन की मनाही है, 8 घंटे, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 8 घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं है, दारू वारू नहीं पीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी क्लास डबल लाइन मल्टीपल MACLS स्टेशन में रियर ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है, तो ये होता है सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट या तो या BSLB, तो दोनों में से कोई एक होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, बी क्लास डबल लाइन MACLS स्टेशन में प्रथम रोक सिग्नल अथवा होम सिग्नल तक शंटिंग करने के लिए ब्लॉक बैग आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बी क्लास डबल लाइन MACLS स्टेशन में प्रथम रोक सिग्नल अथवा होम सिग्नल तक शंटिंग करने के लिए ब्लॉक बैग आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, यदि स्टेशन सीमा के बाहर दो गाड़ियों के बीच कितनी मीटर या अधिक हो तो उसे निवारित टक्कर नहीं माना जाता है, 400 मीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस जलने का गंध आना किसका लक्षण होता है, तो रोलिंग बेयरिंग का जाम हो जाना, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, नेट टन किलोमीटर प्रति घंटा में कमी का कारण हो सकता है, 82 नंबर, ये अनबैलेंस्ड ट्रैफिक की यात्रा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए सही है। अनबैलेंस ट्रैफिक की यात्रा में वृद्धि तो कमी हो सकती है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोलेशन का साधन नहीं है, तो स्किट नहीं है, सैंडम है, ड्रिलिंग स्विच है और स्नैक डेड इंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, गाड़ी विभाजन होने पर लोको पायलट को सूचना देने के लिए गार्ड रात्रि में किस प्रकार की बत्ती का प्रयोग करेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, उजला। गाड़ी विभाजन होने पर लोको पायलट को सूचना देने के लिए गार्ड रात्रि में किस प्रकार की बत्ती का प्रयोग करेगा, ट्रेन पार्टी, यहाँ भी पता नहीं सही है, अलग करने के लिए, हाँ उजला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली घरों के किस कोयले के परिवहन को प्राथमिकता या अनुसूची के तहत किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो प्राथमिकता सी में, ऑप्शन नंबर
तीसरा सही है। बिजली घरों के लिए कोयले के परिवहन को प्राथमिकता अनुसूची के तहत किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? प्राथमिकता सी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टेनिस खिलाड़ी अधिकतम अवधि के लिए एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? ये रहा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, करा किस भारतीय एथलेटिक को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है? पीटी उषा को। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कौन सा भारतीय क्रिकेटर बीसीसीआई का अध्यक्ष भी रह चुका है? तो ये है सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन पूछा, फुटबॉल में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? ब्राजील ने। फुटबॉल में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? ब्राजील ने। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक में स्वर्ण विजेता वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है, विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर द्वारा अंतरराष्ट्रीय मैचों में बनाए गए शतकों की संख्या कितनी है? 100। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ईरानी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत द्वारा हॉकी में अब तक जीते गए स्वर्ण पदों की संख्या कितनी है? 8। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई निम्न में से किस खेल से संबंधित? तैराकी से। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो ये इनमें से कोई नहीं है। लोकसभा के निर्वाचन सदस्य करते हैं, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य करते हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इनमें से कोई नहीं है। पूछ रहा नहीं करते हैं, तो इनमें से सभी करता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ये भी इनमें से कोई नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, होगा इस ध्यान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है? कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला लेख, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में चलाया जाता है? क्रिप्स मिशन। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल राज्य का विभाजन किस वर्ष किया था? 1905 में। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में। ऑप्शन नंबर ए से दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा पराजित गांधी के उम्मीदवार कौन थे? तो पट्टाभि सीतारमैया। ऑप्शन नंबर पहला सही है। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा पराजित गांधी के उम्मीदवार कौन थे? पट्टाभि सीतारमैया। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास निम्न में से किस
शासक के समकालीन थे? अकबर के, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? तो ये आपका है भारत और पाकिस्तान के, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला, निम्नलिखित मानसून भारत में अधिकांश वर्ष में योगदान देता है? तो दक्षिणी पश्चिमी में, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप में बनाया गया है? कल्पक्कम, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो इनमें से कोई नहीं, सभी निकलती है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा निकलती है। अगला क्वेश्चन है, जब भारत में इलाहाबाद में दोपहर हो रही है तो ग्रीन बीच लंदन में समय होगा 6:30 बजे, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन हीरा ग्रेफाइट को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो एलोट्रोप्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एच.जे. भाभा थे, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, येलोस्टोक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यूएसए में, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? पीसी महालनोबिस ने की थी, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रकाश पाडुकोण, ऑप्शन नंबर पहला सही, प्रकाश पाडुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये हुआ था अकबर शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, किसी प्रकार की मिट्टी का पीएच मान 10 हो तो वह मिट्टी मानी जाती है? क्षारीय, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 7 से ऊपर है तो क्षारीय, और 7 से कम है तो अम्लीय है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? केरल में, सॉरी, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74%, पहला सही है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में कोकिंग कोल एक महत्वपूर्ण इनपुट है? स्टील बनाना, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में कोकिंग कोल एक महत्वपूर्ण इनपुट है? स्टील बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म RRR के निर्देशक कौन है जिसके गाने में 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? मणिरत्नम, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ट्रेन में से 2.5 घंटे से कम समय में होने वाली यात्राओं के लिए घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। यह किस देश ने हाल ही में ट्रेन से 2.5 घंटे से कम समय में होने वाली यात्राओं के लिए घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्रांस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो ये मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरमैन, सीईओ रेलवे बोर्ड, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, या अध्यक्ष कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? तो रेलवे विषयों पर हिंदी में तकनीकी पुस्तकें लिखना, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 10, लोकसभा के 20। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? 9, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये हिंदी या अंग्रेजी, कर्मचारी जिसमें चाहता हो, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महाप्रबंधक, ऑप्शन नंबर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? प्रबोध, बैठे रेलवे स्टेशनों पर घोषणा किस भाषा क्रम में की जाती है? तो प्रादेशिक, हिंदी, अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? विधि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है? तो यह है कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारियों और अराजपत्रित वर्गों के लिए, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? सभी मंत्रालयों में, ऑप्शन नंबर पहला सही है। रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। प्राण का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर 12, ऑप्शन नंबर पहला सही है। शिशु पालन अवकाश चाइल्ड केयर लीव की अधिकतम अनुमेय सीमा क्या है? 730 दिन। DAR कार्यवाही के तहत सेवानिवृत्त रेल सेवक की पेंशन में कटौती का आदेश देने के लिए कौन प्राधिकृत है? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। दीर्घ दंड मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति कौन दे सकता है? अपीलीय प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन की अधिकतम अवधि कितनी है जिसे सक्षम प्राधिकारी की समीक्षा के बाद एक बार में बढ़ाया जा सकता है? 180 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला सरकारी कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव की मंजूरी के लिए विचार की जाने वाली चाइल्ड केयर लीव की न्यूनतम अवधि क्या है? 5 दिन, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। भ्रामक सूचना देने के लिए एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ प्रतिदिन कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 250 रुपये प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। RTI अधिनियम की धारा 6(6)/3 के तहत सूचना के अनुरोध के लिए
आवेदन को अन्य लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित करने की समय अवधि क्या है? 5 दिन। चाइल्ड केयर लीव लेने की स्थिति में श्रमिक निःशक्त बच्चों की आयु कितने तक होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। विभागीय जांच में सूचीबद्ध दस्तावेजों का संरक्षक कौन होता है? प्रस्तुतकर्ता अधिकारी। अंतिम आदेश पारित करने से पहले यह निर्णय कौन करेगा कि आरोप सिद्ध हुआ है या नहीं? अनुशासनिक प्राधिकारी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। रेल सेवा आचरण नियम कब पारित किया गया था? 1966 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। गर्भपात के लिए कुल सेवा के दौरान अधिकतम कितने दिन का देय होता है? 1967 है। रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968 का कौन सा भाग दीर्घ और लघु दंड का विवरण देता है? ये डिलीट कर दिया गया है, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध नहीं है तो वह नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में किसे माना जाता जाना चाहिए? महाप्रबंधक को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन अधिकारी को DAR मामलों में बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति डैश मामलों में दी जा सकती है? कितने भी मामले में हो। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बजट क्या है? सरकार की अनुमत प्राप्ति और व्यय का विवरण। ऑप्शन नंबर 4 सही है। किस वित्तीय वर्ष में रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया था? 2017-2018 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QCBS का अर्थ क्या है? क्वालिटी एंड कास्ट बेस्ड सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे का व्यय अब अनुदान मांग संख्या डैश में शामिल है? में ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRF का फुल फॉर्म क्या है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ऑप्शन नंबर 1 सही है। वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय के लिए सकल बजटीय सहायता है तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्लान हेड किसके अंतर्गत ग्राहक सुविधाओं के कार्य शामिल हैं? 53। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्लान हेड 16 के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति हेतु महाप्रबंधक की शक्तियां तक है, 5 करोड़ तक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। रेल बजट के विलय के बाद प्रमुख निहितार्थ क्या रहता है? तो यह रेलवे को अब सरकार को लाभांश नहीं देना होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारतीय रेलवे में EBR फंडिंग का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो यह है आपका RRSK फंड। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला, भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के लिए धन का स्रोत क्या नहीं है? 27 नंबर का, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक प्लान हेड से दूसरे प्लान हेड में निधियों का पुनर्वियोजन किसके अधिकार में है? रेलवे बोर्ड के। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 4 सही है।
सकल आय के सापेक्ष कार्य व्यय का प्रतिशत क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग रेशियो ऑप्शन नंबर 30 दूसरा सही है। अर्निंग क्लासिफिकेशन में सार वाई क्या है? गुड्स अर्निंग ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इस स्तर पर व्यय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। सार अनुमान ऑप्शन नंबर पहला सही है। कोटेशन के लिए न्यूनतम सूचना अवधि है 7 दिन ऑप्शन नंबर पहला सही है। अनुबद्ध मूल्य के 150% से अधिक परिवर्तन के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता है? महाप्रबंधक जीएम का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आवंटन की प्रारंभिक इकाई दर्शाती है व्यय की वस्तु ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। कैश इन ट्रांजिट है तो यह बैलेंस शीट में स्टेशन द्वारा ली गई नगदी का हिसाब अगले महीने में कैश ऑफिस द्वारा किया जाता है ऑप्शन नंबर पहला सही है।